वृत्तासुर का और इंद्र का बहुत युद्ध हुआ। वृत्तासुर इंद्र को निगल गया और निगलने के बाद महीनों तक पेट में रखा। अंत में वज्र से उसके पेट को फाड़ कर इंद्र बाहर निकले और मृत्यु के समय भी चार श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया। देखो पहले राक्षस भी बड़े अच्छे होते थे, बहुत सात्विक होते थे। भगवान ने कहा वृत्तासुर क्या चाहते हो? वृत्तासुर में भगवान के ऊपर प्रसन्न हुए, तब वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति किया है। प्रभु मैं आपका दास भले ना बन सकूं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मैं आपके दास का दास बन जाऊं। हनुमान जी से ने भी रावण ने पूछा तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्रस्य। हम परमात्मा के दास बने ये बड़ी बात नहीं है, दास के भी दास बन जाए। और वृत्तासुर भी यही कहता है प्रभु मुझे आपके दास के दास के दास का भी चरण रज मिल जाए ना, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। भगवान की इतनी सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने किया है कि ऐसी स्तुति कभी देवताओं ने नहीं किया होगा। सबसे पहले कह रहा है अहम हरे तव पादैक मूला दासानु दासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तव पादैक मूला दासानु दासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तव पादैक मूला दासानु बन जाऊं और केवल मन बाणी और कर्म से आपका ध्यान करता हूं। तो भगवान ने कहा क्यों ध्यान करते रहो, क्या चाहते हो? क्योंकि भाई मेरा जो ध्यान करता है कुछ ना कुछ चाहता है, बिना स्वार्थ के कोई ध्यान नहीं करता है। तो वृत्तासुर ने कहा कि वो कलयुग के भक्त होंगे जो ध्यान करके कुछ चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? बोला नानाक पृष्ठम न च परमेष्ठम। मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है,
मुझे इंद्र नहीं बनना है, मुझे योगी नहीं बनना है, मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा भी चाहते क्या हो? कहा आप भी नहीं चाहिए। पहला भक्त है भगवान, बड़े संकुचित हो गए। कहा ना इंद्र का पद चाहता हूं, ना ब्रह्मा का पद चाहता हूं, ना विष्णु का पद चाहता हूं, ना सिद्धि चाहता हूं, ना योग चाहता हूं, ना ध्यान चाहता, आपको भी नहीं चाहता, तो क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे विरह की आकांक्षा है, तुम्हारी याद में तड़पता रहूं, रोता रहूं, इसे छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, विरही आकांक्षा। किस प्रकार का? बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा उसी प्रकार से अजात पक्षाइव मातरम खगः, जिस प्रकार से पक्षी का छोटा बच्चा जिसमें पंख नहीं होता, अजात पक्षा, और जब मां दाना चुनने जाती है ना, तो वो छोटा सा बिना पंख वाला बच्चा अपनी मां का ध्यान करता है कि मैया अभी आएगी और मेरे लिए दाना लाएगी। उड़ तो सकता नहीं, पंख नहीं, अजात पक्ष है, तो जैसे वो छोटा पक्षी का बालक बिना पंख वाला अपनी मां का ध्यान करता है, ऐसे ही मैं आपका ध्यान करूं। भगवान ने कहा ठीक है। बोले नहीं, एक समस्या है, जब मां दाना लेकर आती है, पक्षी को खिला देती है, तो मां को भूल जाता है। तो दूसरा उदाहरण दिया, अस्तन्यम यथावत तराचुधारतः, गाय लगाने के पहले जिस प्रकार से बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए आतुर होता है, मैं उस प्रकार से मिलूंगा। वत्स क्षुधारता, क्षुधा भूख से जिस प्रकार वत्स बछड़ा अपनी मां के पास भागना चाहता है, उसी प्रकार आपसे मिलने की वही जो छटपटाहट है वो आ जाए। भगवान ने कहा ठीक है। कहा लेकिन इसमें भी समस्या है, दूध पीने के बाद मां को छोड़ देता है, इधर उधर घूमने लगता है। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियं प्रियेवा विवसिताम विशस्ला, जैसे पत्नी के पति के वियोग में पत्नी, हमारे यहां एक ग्रंथ लिखा गया कालिदास का मेघदूत, तो राजा का जो सेवक था वो राजा के लिए पुष्प लाता था पूजा के लिए, एकदम समय से लाकर पुष्प देता था, लेकिन जब उसका विवाह हो गया तो पहले दिन फूल लाने में उसने देरी कर दिया। राजा ने दंड किया दिया कि इसको इसकी पत्नी से अलग कर दिया जाए, पत्नी को अलग कर दिया गया। तो राजा को सुबह फूल देने के बाद अपने पत्नी को जो संदेश देता था उसका माध्यम मेघ होता था, मेघ माने बादल, तो बादल से बादल को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास अपनी वाणी से वो पहुंचाता था अपना संदेश, उसको मेघ दूत कहा गया कि हे मेघ, तू तो हर जगह है, पत्नी के पास भी तो होगा, तो मेरा संदेश उसको दे देना। और उसी पर कालिदास जी ने बहुत दिव्य ग्रंथ की रचना किया मेघदूतम की। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से पत्नी पति का ध्यान करती उस प्रकार से हो जाए। और अंत में कहा हे कमल जैसे नेत्र वाले प्रभु, बस केवल आपके चरणों में ही हमारा ध्यान लगा रहे और इसे छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। भरत जी भी यही कहते हैं, जब खड़े हुए त्रिवेणी में भरत जी खड़े हैं और मानो गंगा ने मां पूछा कि क्या चाहते हो भरत, तो भरत ने कहा कुछ नहीं, यहां तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह
वरदान ना हरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशला कुमार मुहे राम चाहिए वो कौशला कुमार मुहे राम चाहिए सरजू तीर कनक बिहारी चाहिए सरजू तीर कनक बिहारी सत्संग दया सिंधु वीर व्रत धारी सत्संग दया वीर व्रत धारी चाहिए सरजू तीर अवध बिहारी चाहिए सरजू तीर अवध बिहारी ललाम चाहिए ओ अयोध्या ललित ललाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए लोचना भी राम 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 मुझे चाहिए लोचना भी राम 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 मुझे चाहिए कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए लोचना भी राम 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 मुझे चाहिए लोचना भी राम 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 मुझे चाहिए राम भद्राचार राम चाहिए राम भद्राचार्य अभी राम चाहिए कौशल्या कुमार मुहे 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 राम चाहिए कौशल्या वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति किया भगवान बड़े प्रसन्न हो गए राक्षस भी इतनी दिव्य स्तुति करते हैं और आज के मानवों को तो राक्षसों भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए इतने उत्कृष्ट भक्त हुआ करते थे